नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा दुनिया पे। मैं पूनम आपके साथ। मणिपुर में महिलाओं की निवास परेड कराए जाने के केस में सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को सुनवाई की। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछा कि 3 मई को हिंसा शुरू होने के बाद अब तक कितनी FIR दर्ज की गई है। अदालत ने कहा कि इकलौती घटना नहीं है, दूसरी महिलाओं के साथ भी ऐसा हुआ। हमें महिलाओं के खिलाफ हिंसा जैसे गंभीर मसले के लिए एक मैकेनिज्म बनाना होगा। सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को भी इस मामले में सुनवाई करेगा। दो पीड़ित महिलाओं की ओर से पेश वरिष्ठ वकील कपिल सिंबल ने इस मामले की CBI जांच का विरोध किया। कुकी समुदाय की ओर से वरिष्ठ वकील कॉलिन गोल्वेज ने कहा कि इस मामले की जांच SIT करे, इसमें रिटायर्ड DGP को भी शामिल किया जाए। सभी पीड़ित महिलाओं की ओर से वरिष्ठ वकील इंदिरा जैसी ने कहा कि इस मामले की जांच एक हाई पावर कमेटी करे, इनमें से केस देखने वाली महिलाओं को शामिल किया जाए। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़, जस्टिस JB पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच सुनवाई कर रही है। पिटीशन में पीड़ित महिलाओं की पहचान जाहिर नहीं की गई है, उन्हें XY नाम से संबोधित किया गया है। इसी के साथ बने रहे राजनामा दुनिया के साथ। धन्यवाद।